वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। और जिस चीज़ का हम बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, जो चीज़ मैंने बहुत पहले आपको बताई थी कि भाई मैं कोई ऐसा प्रोटीन बताऊंगा आप लोगों को कि जो आपके बजट में भी होगा और बहुत अच्छा होगा, तो फाइनली वो दिन आ चुका है और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ इस प्रोटीन को। अभी तक ये मैंने खोल के भी नहीं देखा है। एक्चुअली ये मेरा नहीं है, ये एक मेरे स्टूडेंट का है और उसने लेके सीधा मेरे पास भेज दिया है रिव्यू के लिए। तो आज इसको मैं रिव्यू करूंगा और एक एक बात बताऊंगा इसके बारे में, आपको ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, सभी डिटेल पॉइंट मैं आपको इस वीडियो में कवर करूंगा। तो सबसे पहले इसकी पैकेजिंग की बात करते हैं। ये इस तरह के पैकेज में आता है, इस तरह का बॉक्स मिलता है इसका। ये 1 kg का अनफ्लेवर्ड मैं आपको लिए रिव्यू कर रहा हूँ। तो चलो इसको खोल कर देख लेते हैं। इसका है, इस पर डिटेल लिखी होती है आपकी थोड़ी सी, आपके एड्रेस वगैरह वो सब जो अमेजोन भेजता है या फिर कंपनी जहाँ से आप लेते हो, बिल्कुल सेम यही पैकेजिंग मिलेगी आपको। तो भाई पैकिंग तो इनकी सॉलिड है, एक नंबर, बहुत प्रीमियम पैकिंग है इनकी। अंदर क्या है वो देख लेते हैं, क्या अंदर का माल है जो वो भी एक नंबर प्रीमियम है क्या, है ना। तो ये है, अब सीधा पॉइंट पे आ जाते हैं और अब बात कर लेते हैं कि जब भी हम कोई प्रोटीन खरीदते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि भाई कोई सस्ता सा या फिर मतलब प्राइस में सस्ता सा प्रोटीन कौन सा है। तो सबसे पहले इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। ये है 1 kg, ये इन्होंने चॉकलेट मंगा रखा है, लेकिन मैं अनफ्लेवर्ड के बारे में बात करूँगा क्योंकि वही आपके उसमें बजट में आएगा। थोड़ा फ्लेवर्ड वाला है, थोड़ा सा 500 रुपये महंगे हो जाता है। तो अनफ्लेवर्ड में जाएंगे तो हमें ये पड़ेगा, अगर आप अमेजोन से या कहीं और जगह से लेते हो, सेल में लेते हो तो ये 1700 कुछ का पड़ेगा आपको। अगर आप ये लेते हो अमेजोन में बिना किसी सेल के तो ये आपको 2050 का पड़ जाएगा, मतलब बिल्कुल आपके बजट में है ये प्रोटीन। अब बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में। ये कंपनी है जो बिल्कुल नई कंपनी नहीं है, इसके प्रोडक्ट हम सभी घरों में यूज़ करते हैं, कोई नई कंपनी नहीं है। इसके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो आप ये स्क्रीन पर देख रहे हो, ये इसके प्रोडक्ट्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये लगभग 30 साल पुरानी कंपनी है, तो इन्होंने ये प्रोटीन भी निकाल दिया। तो अब बात कर लेते हैं कि भाई ये क्या मतलब, कैसे बाहर से इंपोर्ट करते हैं या क्या। तो भाई ये 100% इंडियन है, मतलब 100% पूरी तरह से 100% इंडियन है, इंडियन ब्रांड है ये। अब बात कर लेते हैं कि कौन से दूध से बना हुआ है। अब दूध तो दूध होता है, लेकिन दूध में भी हमारे इंडिया है, तो भाई थोड़ा सा देखते हैं कि दूध किसका है। बाहर की जो कंपनियां होती हैं या इंडियन जो दूसरी कंपनियां हैं, वो नहीं बताते हैं कि भाई दूध कहाँ से लिया है उन्होंने। भेड़ का दूध है, बकरी का दूध है, गाय का दूध है, भैंस का दूध है, किसी और जानवर का दूध है, लेकिन ये कंपनी बताती है कि भाई ये 100% गाय का दूध का बना हुआ प्रोटीन है। और इसके बनने में सिर्फ 24 घंटे में, जैसे दूध आया फार्म पे गया, वहाँ पे कुछ और दूसरा प्रोसेस हुआ, उधर पर जो लास्ट में जो बचता है वे उसको उन्होंने कन्वर्ट किया वे प्रोटीन में। और ये 24 घंटे में, मतलब दूध आने के 24 घंटे में बाद, ये 24 घंटे के अंदर ये डब्बे में बंद हो जाता है बनने के बाद। ये कंपनी इस चीज़ का भी दावा करती है कि जो ये प्रोटीन हम बना रहे हैं सबसे फ्रेश है, मतलब ये 24 घंटे में तैयार हो रहा है, इसलिए सबसे फ्रेश है, इस चीज़ का दावा करती है। ये बड़ी बात है, क्योंकि जो दूसरी दूसरे प्रोटीन होते हैं उनको बाहर से आते हैं, वो कितने दिन तक वो हमारे गैराज में पड़े रहते हैं, वहाँ पे अमेजोन में या कहीं भी कस्टम से बाहर से मंगाते हैं, कस्टम वालों के पास पड़े रहते हैं रिव्यूज़ के लिए, वो जैसे अभी उनका प्रोसेस है। तो इंडिया का है, इंडिया का होने के साथ इंडियन प्रोडक्ट्स में ये सबसे फ्रेश वे प्रोटीन बताते हैं। और ये अनफ्लेवर्ड है, ये चॉकलेट वाला है, मैं आपको अनफ्लेवर्ड की बात बता रहा हूँ, अनफ्लेवर्ड लेना, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ्लेवर्ड और अनफ्लेवर्ड में, बस थोड़ा टेस्ट की बात है। आप ये अनफ्लेवर्ड ही लेना, क्योंकि आपने बजट वाली बात कही थी, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ बजट वाली बात बता रहा हूँ। 1700 रुपये में आपको 1 किलो प्रोटीन मिल रहा है ना, तो ये आपके बजट में भी है और कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जो कमियाँ ढूंढते रहते हैं प्रोटीन्स में, कि हो ये प्रोटीन ऐसा है, वो प्रोटीन सबसे बढ़िया है, ये वो। तो भाई कमियों की पता चलती है, वो सबसे पहले उनके मुंह पे नाम होता है, लैब टेस्ट में ऐसा निकला और लैब टेस्ट में वो ऐसा निकला है। तो इसके लैब टेस्ट की बात कर लेते हैं। मैंने
लैब टेस्ट देखे हैं, मैंने तो करवाए नहीं है, पर मैंने 6 लैब टेस्ट देखे हैं अलग अलग यूट्यूबर्स के, और उनका जो रिजल्ट आया है, जैसे कंपनी जिस हिसाब का जो बताती है उससे ज़्यादा ही इसके लैब टेस्ट में रिपोर्ट मिलती है। ये 80 से 91% तक इसमें प्रोटीन पाया गया है लैब टेस्ट में, और जो कंपनी है इससे कम क्लेम करती है। इसका मतलब है कि कंपनी जो प्रोटीन परसेंटेज इसमें बताती है उससे ज़्यादा प्रोटीन इसमें है, ये लैब टेस्ट में आया है, कंपनी वाले नहीं बताते, तो ये तो प्लस पॉइंट है और लैब टेस्ट में पास है। अब बात कर लेते हैं इसके न्यूट्रिशन के बारे में। इसमें भाई एक राउंडेड स्कूप है, ठीक है, और इसका 35 ग्राम का एक स्कूप है और 29 सर्विंग है इसके अंदर, ठीक। और इसमें जो अब मैं आपको मेन चीज़ें बता देता हूँ, इसमें जो आपका प्रोटीन है वो 24 ग्राम है और इसमें फैट है जो 1.9 ग्राम है, जिसकी 2.9% बनता है डेली, उसका आपकी वैल्यू देखें तो उस हिसाब से। और कोलेस्ट्रॉल सबसे मेन चीज़ है वो 5.7 mg है, जो कि बहुत कम है, 1.9% बनता है, तो नो इश्यू, आप इसको खा सकते हो, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में 4.1 ग्राम है, जो कि ठीक है, लगभग इतना सब में मिलता ही है। अगर आप कटिंग पे हो या फिर कटिंग मींस आप अगर पैसा ज़्यादा खर्च कर सकते हो तो थोड़ा और फिल्टर ले लो, इसमें और भी चीज़ें हैं, आप जाके वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। ये मैंने आपको बजट की चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है, बजट में ये सब बहुत अच्छा है। अब इसकी अमीनो प्रोफाइल पे बात कर लेते हैं कि ज़्यादातर इसके जो सवाल खड़े होते हैं वो अमीनो प्रोफाइल को लेके होते हैं। यार तुम एक बात बताओ, डंडा दे रहे हो 1700 रुपये का प्रोटीन है, उसमें तुम अमीनो भी चाहिए, इन्होंने डाले हैं अमीनो, मैं बता देता हूँ, इन्होंने जो प्रोफाइल बताई है वो 100 ग्राम मतलब 100 ग्राम पे बताई है कि हमने 100 ग्राम अमीनो में प्रोटीन में इसके में ये चीज़ डाली है, जैसे 9.8 ल्यूसिन है, आइसोल्यूसिन है, 6.7 वेलिन है, 5.8, तो ये सब चीज़ भी इन्होंने इसमें डाली है। 1700 रुपये में और क्या चाहिए, सस्ता प्रोटीन, सस्ते के नाम पर आप सब कुछ चाहते हो, सस्ती सी रिंग दे दो हीरे वाली, ऐसा थोड़ी होता है, सस्ती सी रिंग मिलेगी क्रिस्टल वाली। जस्ट चिल, मजाक कर रहा हूँ, बाकी बहुत अच्छा अभी तक तो, मतलब मैं जो बता रहा हूँ वो सब अच्छी चीज़ें हैं, और अमीनो प्रोफाइल है इसकी ठीक ही है, मैं ये नहीं कह रहा, बस इन्होंने ये बताया नहीं है कि पर स्कूप कितना है, पर आपको दे रहे हैं अमीनो ये, तो ये बड़ी बात है, 1700 रुपये में आपको मिल रहा है। अब और चीज़ों पर आ जाते हैं, इन्होंने हमें ये भी बता रखा है कि जो प्रोटीन है 24 ग्राम के साथ हमें ग्लूटामिन मिल रहा है 3.4 ग्राम और BCA मिल रहा है 5.3 ग्राम और अदर जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं मतलब AEAA वो 5.3 ग्राम है। शुगर फ्री है, ग्लूटेन फ्री है और सोया फ्री है, लोगों को सोया का बहुत ज़्यादा डर होता है तो ये सोया फ्री भी है भाई। इंग्रेडिएंट्स, अब इन लोगों ने इंग्रेडिएंट्स में क्या दे रखा है मैं तुम्हें बता देता हूँ, इंग्रेडिएंट्स को पढ़ते कैसे हैं, इन लोगों ने जो चीज़ पहले लिख रखी होती है इंग्रेडिएंट्स में वो सबसे ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे दूसरी चीज़ें होती हैं वो उनसे कम होती है रेशो में। तो इन्होंने वे प्रोटीन कंसनट्रेट लिख रखा है, वे प्रोटीन आइसोलेट लिख रखा है दूसरे नंबर पे, तो इसमें कंसनट्रेट ज़्यादा है और वे प्रोटीन आइसोलेट थोड़ा कम है, ये ब्लेंडेड है। स्पेशली डिज़ाइंड है ये स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, फिटनेस मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर जॉगिंग वॉगिंग कर लेते हैं, पार्क में पुशअप वगैरह लगा लेते हैं, स्क्वाट्स लगा लेते हैं, उनके लिए, बॉडी बिल्डर्स के लिए और रनिंग वगैरह करते हैं जो, उनके लिए, साइकिलिस्ट के लिए और जो बिगनर हैं जिन्होंने कभी वर्कआउट नहीं किया लेकिन अब शुरुआत कर रहे हैं तो उनके लिए ये अच्छा है। इसका टेस्ट हो चुका है, टेस्ट में ये है पास। अब हम भी इसका थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं, जिसका स्कूप बता रखा है वो बता रखा है 35 ग्राम का राउंडेड स्कूप है, ठीक है, तो हम इसको खोलते हैं। ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है या नहीं है, कॉपी है या फिर डुप्लीकेट है, जो भी है उसका पता कैसे लगाएं, देखो यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे स्कैनर दे रखा है, ढक्कन के ऊपर ही है और उसके नीचे है स्क्रैच करने के लिए दे रखा है, मतलब स्क्रैच्ड नहीं है, तो इसमें लिखा हुआ कि स्क्रैच हेयर, और ये करने के बाद ये कोड इसमें डालना होता है। तो ये इसका स्कूप है, थोड़ा सा ऐसा है, देख लो, पहले इसको जीरो कर लेते हैं, इसका वेट है, स्कूप का वेट है 13 ग्राम, ठीक है, बारह ग्राम।
अब बात कर लेते हैं इनके स्कूप के बारे में। इन्होंने कहा है कि वन राउंडेड स्कूप। अब मैं पहले आपको स्कूप्स के बारे में बता देता हूँ कि कौन सा स्कूप कैसा होता है। ये स्कूप देख रहे हो, ये इसको बोलते हैं लेवल स्कूप, मतलब लाइन से ऊपर नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है और कम करते हैं। ये हो गया लेवल स्कूप, ठीक है ना। लेवल स्कूप के बारे में नहीं कहा, इन्होंने कहा है राउंडेड स्कूप। तो राउंडेड स्कूप क्या होता है, जो थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा होता है। तो ये स्कूप है जो ये लगभग राउंड स्कूप है, राउंड बना हुआ है, और इसका वेट हम करते हैं अब, ये ऑलरेडी पहले से मैंने कर रखा था, ये लो। तो ये देखो 39 ग्राम बता रहा है, हम एक ग्राम और कम कर देते हैं स्कूप का जो फ्लक्चुएशन थी उसको, तो 38 ग्राम का इसका स्कूप है राउंडेड। तो स्कूप भी ज़्यादा बन गया इसका, मतलब जो टेस्ट में आ रहा है, इन्होंने जो लिख रखा है सॉरी, कि भाई हमारा 35 ग्राम का स्कूप है, और इसको कहते हैं हिप स्कूप, हिपिंग स्कूप भी बोलते हैं। तो ये हिपिंग स्कूप है, ऊपर की तरफ निकला हुआ, राउंड नहीं है, ऊपर की तरफ निकला हुआ है, और इसका वेट तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। और इन्होंने इस बारे में नहीं कहा है, इन्होंने राउंडेड स्कूप की बात करी। तो राउंडेड स्कूप का जो इसकी वो है क्वांटिटी है वो है 38 ग्राम। अब बात कर लेते हैं इसकी मिक्सेबिलिटी की, ये मिक्स कैसे होता है। तो एक मैंने राउंड स्कूप ले लिया है और इसको मैं डाल रहा हूँ, ये जो पानी है इसका आधे से थोड़ा सा कम है, ठीक है। और लगभग 30 सेकंड हम इसको शेक करेंगे, क्योंकि लगभग 30 सेकंड का ही टाइम बताया जाता है सभी प्रोटीन्स में। तो 30 सेकंड तक हम इसको शेक करेंगे लगभग। इसमें कोई गांठ नहीं बन रही है, मिक्स हो गया है अच्छे से। तो इसकी मिक्सेबिलिटी भी एक नंबर की है। अब बात कर लेते हैं इसके टेस्ट के बारे में। तो एक चॉकलेट फ्लेवर था जो कि बहुत अच्छा है, मज़ा आ गया पी के। लेकिन सच बताऊँ ना, मुझे अनफ्लेवर्ड बहुत ज़्यादा पसंद है। बात प्राइस की नहीं है, बात टेस्ट की है। मुझे अनफ्लेवर्ड बहुत ज़्यादा पसंद है, किसी भी कंपनी का मैं प्रेफर कर। दो रीज़न है, एक तो मुझे पसंद है दूध जैसा टेस्ट आता है उसमें, सॉरी। और जो दूसरा जो बात रीज़न है वो है कि आपका शेकर है जो आपके, उसमें स्मेल नहीं होती, शेकर बहुत लंबे टाइम तक चलता है। तो इसका जो टेस्ट है लाजवाब है, बहुत बढ़िया है। अब बात कर लेते हैं इसकी बैड साइड की। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे लगी इसकी, बताने चाहता हूँ मैं तुम सबको कि इसमें खामी क्या है। एक ही चीज़ है बस मेरे हिसाब से, तो बाकी तुम भाई तुम ज़्यादा जानते हो। इसकी जो खामी है वो ये है कि भाई जो इसका प्राइस है 1700 रुपये है, अगर आप उसमें लेते हो सेल में खरीदते हो इसको, वरना ये 2050 रुपये का पड़ेगा आपको। तो जो ये इंडिया में बना हुआ प्रोडक्ट है, ये बाहर से इम्पोर्ट नहीं किया गया है, 101% इंडिया में बना है। और इसके जो प्राइस हैं वो इंटरनेशनल मार्केट से मैच खाते हैं। अनफ्लेवर्ड आप दूसरी कंपनी का ले लो, लगभग सेम प्राइस मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे सिर्फ इसके प्राइस को लेके मैं थोड़ा सा ये हूँ कि भाई इंडिया में बना था तो थोड़ा सा हमारे लिए सोच लेते इंडियंस के लिए। बाहर इम्पोर्ट करोगे, बाहर ले जाओ, वहाँ पर थोड़ा प्राइस बढ़ा दो, जो भी है आपका तरीका वो। लेकिन जो हम इंडियंस के लिए बना रहे हो, तुम इंडिया में बनाए, 101% इंडियन है, घर में बना हुआ प्रोडक्ट है ये, घर मतलब इंडिया हमारा घर, तो थोड़ा सा प्राइस इसका कम होना चाहिए था। तो इन लोगों ने जो प्राइस की जो बात करी है वो मुझे पची नहीं थोड़ी सी, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जो प्राइस रेट है अनफ्लेवर्ड के वो मैच करते हैं इससे। तो बस एक यही कमी लगी मुझे इसमें, बाकी सस्ता प्रोटीन है, इससे सस्ता और क्या चाहिए। स्कूप का साइज ज़्यादा है इसका जो बता रखा है उससे, और इसकी जो लैब टेस्ट है उसमें ये पास है, पास का एक्सीलेंट है, ऊपर है बहुत, क्योंकि उससे भी ज़्यादा इसका टेस्ट में आ रही है रिपोर्ट। तो मेरी तरफ से पास है, आप इसको खरीद सकते हो, मैं रिकमेंड करता हूँ ये प्रोटीन। और ये मेरा भी इतना बड़ा चैनल नहीं है कि मैं इसको प्रमोशन के लिए, मुझे बताया गया है, ये मेरे एक स्टूडेंट का है, उसने मंगाया था, उसने मेरे से पूछा था, मैंने उसको बताया कि भाई ये ले लो। लोग इसके बारे में कैसे कैसे क्वेश्चन करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो ये है कि अभी ये 2000 का है, 2050 का है, पहले 1700 कुछ का था, अब 2000 कुछ का है, ऐसा क्यों है डिफरेंट। तो भाई जब सेल लगती है अमेजोन पे तब ये कम का होता है, जब सेल नहीं होती है तो ये अपने नेचुरल जो इसका प्राइस सेट कर रखा है कंपनी ने उस पर मिलेगा। अगला क्वेश्चन जो किया गया है वो ये है
कि भाई इसकी ऑथेंटिसिटी कैसे पता करें कि असली है नकली है। तो भाई इसके टॉप पे ढक्कन के ऊपर ही इस जगह पे यहाँ पे स्क्रैच करने के लिए दिया गया है। इसको स्क्रैच करो, QR कोड स्कैन करो और स्क्रैच करने के बाद जो ये नंबर है इसको उसमें डालो, आपको पता चल जाएगा आपका प्रोडक्ट असली है या नकली है, क्योंकि स्क्रैच तो एक ही बार होएगा। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि भाई ये आइसोलेट है या फिर कंसनट्रेट है। तो ये भाई ब्लेंडेड है, इसमें कंसनट्रेट ज़्यादा है, आइसोलेट थोड़ा कम है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से लास्ट क्वेश्चन है ये, कि इसको हम क्रिएटिन के साथ ले सकते हैं क्या? देखो, अगर आप लेते हो फ्लेवर्ड तो फ्लेवर्ड में आप यूज़ करना अनफ्लेवर्ड क्रिएटिन। अगर आप लेते हो अनफ्लेवर्ड प्रोटीन इसका अवतार का, तो आप लेना फ्लेवर्ड क्रिएटिन। उससे क्या होगा कि आपको टेस्ट थोड़ा अच्छा आएगा, मज़ा आएगा पीने में। बाकी अनफ्लेवर्ड दोनों का अनफ्लेवर्ड करके पियो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का ये था मेरा रिव्यू अवतार प्रोटीन को लेके। अगर आपको अच्छा लगा है या कोई और क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करो, मुझे बताओ कि भाई ये पॉइंट मैंने छोड़ दिया। मेरे हिसाब से तो मैंने सब कुछ कवर कर लिया है, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार मेरी वीडियोस को देख रहे हो, तो थैंक यू सो मच मेरे चैनल पर आने के लिए। लेकिन यार सब्सक्राइब जरूर करके जाना और बेल आइकन भी दबा देना, मैं इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाता रहता हूँ आपकी रिक्वेस्ट पे। और मुझे बताओ कि और किस चीज़ पे वीडियो बना सकते हैं हम, है ना। तो ऐसे मिलजुल के काम चलता रहेगा, मैं आपको बताता रहूँगा, आप मेरे से पूछते रहना। और जो मेरे पहले से ही सब्सक्राइबर है, थैंक यू सो मच, थैंक्स थैंक्स थैंक्स, बहुत सारा थैंक्स आपको। आपके सपोर्ट से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और आगे भी जाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना प्लीज़। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा।